जब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था भी खो गया, जो कहानी लिखी वो सभी मिट गया, जो मैंने है जाना खुशी बहुत खुश लग रही हैं आप। तुम्हें कैसे पता है? इतने सालों से आपके इशारों पर नाच रही हूं, आपकी रग रग से वाकिफ हो चुकी। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि जुनैद भाई आपकी साजिश के नतीजे में इशल को मैके छोड़ने गए। मोहब्बत में एक बार फिर नाकाम हो गई है। और नाकामी भी उसी जगह से हुई है जहां से पहले हुई थी। ऐसे में आप उस शख्स की बेटी को कैसे खुश देख सकती थी? आप ये सब करेंगी ये मुझे उसी दिन पता चल गया था जब मैंने आपको बताया था कि ईशल आपके कमरे में गई। मैंने कहा था कमरे को ताला लगा देती हूँ, आपने मना कर दिया। आप चाहती थी कि आपकी और चचा जान की मोहब्बत की निशानियां ईशल के हाथ लगे और ईशल जाके अपने बाप का गिरेबान पकड़ ले। लेकिन उससे पहले आपको घर वापस आना पड़ गया और वो कुछ भी नहीं हुआ जो आप चाहती थी। और आपने तय कर लिया कि सबका बदला आप ईशल को घर वापस भिजवा कर ही लेंगे। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? वहां जाके बताओ जहां पे कोई फायदा हो। और आपका फायदा इसी में है कि कुछ और रिश्ते बिखरें, कुछ और घर टूटें, है ना? मैं क्या चाहती हूं? अगर ये तुम जानती तो इतने साल मेरे इशारों पे नाच नहीं रही होती। ज्यादा पर फैलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इशारों पे नचा सकता है वो पर काट भी सकता है। मुझे अब बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। किस बात पे इतना इतरा रही हो? मां बनने वाली हो इसलिए?